भाई ये आ गया, जीरा डाला ना। हाँ जी। ये देखिए तेल आ गया और देखिए कितना साफ सुथरा खाना आपके सामने बन गया। ये आ गया जी पानी इसके ऊपर, नमक गरम। ये आ गया जी नमक। दोस्तों ये देखिए चावल के लिए रेडी हो गया, इसमें अब चावल बनेंगे। देखिए बिल्कुल सिंपल जैसे घर वाले चावल होते हैं ना, उसी तरह के चावल बनाते हैं। तो उस तरफ ये छोले बॉईल कर रहे हैं, इसके बाद इसका तड़का लगाएंगे। तो ये देखिए प्याज कटिंग हो रहे हैं तड़के के लिए, छोले वगैरह का और कड़ी का तड़का लगेगा। तो ये सारा काम सुबह ही करते हैं, ताजा का ताजा मिलेगा आपको यहाँ पे। ये देखो भाई ये चावल आ गए। ये कौन सा चावल होता है? ये पौना है बस। अच्छा ये जीरे वाला तड़का लगा के चावल बनाते हैं, है ना, मजे का। बाकी बनते हैं उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको। ये कड़ी के लिए इसमें आ गया रिफाइंड, ये आ गई साबुत मिर्च। ब्राउन होने तक भूनने देंगे इसको, इसको पहले ना ब्राउन करते हैं। ये कड़ी के लिए तैयारी हो रही है। ये आ गया जी जीरा इसके ऊपर, अजवाइन। ये अजवाइन आ गई, मेथेदाना देखा था ना, साबुत धनिया। ये साबुत धनिया देखो दोस्तों, खड़े मसाले भी डाल रहे हैं। आपको बिल्कुल घर जैसा स्वाद मिलेगा यहाँ पे। ये आ गया जी ऊपर से प्याज। ये आवाज सुनिए तड़के की, है ना, मजा आ रहा है ना। जितना मजा देखने में आ रहा है ना, उससे ज्यादा खाने में आएगा आपको। ये कड़ी पत्ता आपके साथ, क्या फ्रेश कड़ी पत्ता, इसकी तड़क भड़क सुनो। मुझे दोस्तों गाड़ी से बाहर तक खुशबू आने लगी है। ये देखिए इधर राइस भी रेडी हो गए। इसमें लाल मिर्च, हल्दी, ये आ गई जी हल्दी, कस्तूरी मेथी, ये कस्तूरी मेथी, ये इसमें थोड़ा सा पानी और। ये देखिए दोस्तों है ना, कलर आना शुरू हो गया ना इसका। ये देखिए दोस्तों चावल भी इधर बॉईल हो गए पूरे। बेसन दे दो। ये देखिए जीरे वाले चावल रेडी होने वाले हैं। बस ये चावल का जो एक्स्ट्रा पानी निकालना पड़ता है पहले थोड़ा सा, ये देखिए। ये देखिए दोस्तों एकदम खिले खिले चावल, दो मिनट में तैयार हो जाएंगे। लस्सी और बेसन मिक्स है। अच्छा लस्सी और बेसन। हाँ जी। ये मिक्स है, ये आ गया जी अपनी, हो गया करी रेडी। ये देखिए दोस्तों, ये दोस्तों चने का तड़का शुरू हो गया। ये देखिए जीरा, ये आ गया जी जीरा इसमें, और ये आ गए प्याज। इधर दोस्तों कड़ी भी रेडी होने वाली है, और इधर ये छोलों का तड़का। प्याज को ना अच्छी तरह पहले भुना जाता है। ये दोस्तों ये कड़ी के पकौड़े जो इन्होंने सुबह फ्राई करके रख लिए थे पहले, तो ये आ गया जी कड़ी, ठीक है। बाकी अब आपको दिखाता हूँ वहाँ पे काट पे जाके। ये हो गया जी इधर, ये देखिए प्याज ब्राउन हो गया। ये आ गया जी इसके ऊपर कस्तूरी मेथी। दोस्तों छोलों का स्वाद ना इससे बड़ा इन्हांस हो जाता है, कस्तूरी मेथी, और ये भी पूरी ब्रांडेड यूज़ करते हैं। धनिया पाउडर, ये आ गया जी धनिया पाउडर जो कि इन्होंने ये खुद पिसवाते हैं अपना। ये आ गई जी हल्दी, हल्दी का कलर मज़ेदार लग रहा है ना, देखो मसाले का कलर आना शुरू हो गया ना। ये आ गई जी लाल मिर्च, हमने पाना टमाटर। ये आ गई जी टमाटर की प्यूरी जो इन्होंने पहले ग्राइंड करके रखी हुई। दोस्तों तड़के की ना खुशबू बाहर तक आने लगी है, आपको खुशबू तो नहीं आ रही होगी पर देख के मुंह में पानी जरूर आना शुरू हो गया होगा। बाकी आपको बना के वहाँ पे छोले भटूरे भी दिखाता हूँ मैं इनके बने हुए। ये आ गया चना मसाला, ये आ गया जी चना मसाला, ये भी MDH का यूज़ करते हैं।
गरम मसाला जी, ये गरम मसाला आ गया। और दोस्तों ये देखो इनका हिसाब होता है, डिब्बी खोली सीधा इनके हाथ को पता होता है कितना माल डालना है। ये किचन किंग, किचन किंग, अच्छा किचन किंग डालना है। उधर दोस्तों ये देखिए कड़ी भी रेडी हो गई है, बहुत ही बढ़िया। ये आ गया जी पानी, पानी हल्का सा और इसमें अब छोले आएंगे बस चले पाएंगे। ये स्टीम निकल गई है कुकर में, ये देखिए दोस्तों छोले देखा एकदम गल गए हैं। ये देखिए दोस्तों इधर कड़ी देखो रेडी हो गई है अपनी सर्व होने के लिए, ये छोले। ये देखिए दोस्तों ये आ गया जी ढक्कन, अब इसके बाद ये रेडी होते हैं तो मिलते हैं आपको कार्ट। आज बारिश का मौसम हो गया थोड़ा सा, बट ये छोटी सी कार्ट है, ये रेलवे लाइन के बिल्कुल साथ ही लगाते हैं। ये देखिए ये जो अपना सामान रेडी हुआ था, ये देखिए है ना मजेदार, ये देखो रंगा देखो, ये क्या चीज़ छोटा दाल है महाराजमा, दाल है महाराजमा, अच्छा ये राजमा और दाल दार राजमा, अरे वाह ये देखो भाई। और ये आलू पूरी की सब्जी है, ये जीरे वाले आलू देखिए है ना, थोड़ा सा ऐसे निकाल ऐसे करके दिखाना, ये देखो है ना मजेदार, कलर देखो आ रहा ना मुंह में पानी देख के, जबरदस्त बहुत बढ़िया। तो ये देखते हैं, ये आ गई जी अपनी हरी मिर्च फ्राई की, ये आ गई जी कड़ी, ये देखिए रंग देखिए कड़ी की बिल्कुल घर जैसी, ये देखिए साथ में पकौड़े भी हैं, ये देखो साइज देखो पकौड़ों का बहुत बढ़िया जी। अब मैं आपको दिखाता हूँ छोले, छोले ये आ गए जी छोले, छोले की रंग देखो है ना, ये छोले भी दिखा दे थोड़ा, ये देखो छोले एकदम गाढ़े छोले बहुत बढ़िया, ये दिखा ना एक कड़छी में डालते हैं हल्के, ये देखो है ना, ये देखो छोले है ना मजेदार। तो भाई से बात भी करते हैं यहाँ के बारे में, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे, आपका शुभ नाम? राम बाबू। कब से यहाँ काम कर रहे हैं? यहाँ मेरे को हो गए आज 8 साल हो गए इस जगह पे, यहाँ पे 8 साल हो गए। अच्छा आपके यहाँ का टाइम बताएंगे? टाइम 9 से 4 का, 9 से 4 बजे। यहाँ की लोकेशन बताएंगे? 22 नंबर फाटक भी पड़ता है। अच्छा ये 22 नंबर फाटक जो 21 नंबर को रोड जाती है रेलवे लाइन के साथ मित्तल मेडिकल के पास। क्या नाम के? नाम हमारे नाम से ही चलता है, राम बाबू। अच्छा राम बाबू के नाम से, ठीक है। भटूरों का साइज भी देखो है ना मजेदार, बहुत बढ़िया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों यहाँ देखिए ये पेड़े पहले बना के रख लेते हैं, आज वैसे मौसम भी बड़ा ठंडा हो गया। ये आटे की पूरी है, ये आटे की पूरी? हाँ जी। अच्छा ये दोस्तों यहाँ पे आपको आटे की पूरी और भटूरे दोनों मिलेंगे, और हाँ भी कुछ होता है? चावल भी होते हैं, राइस। अच्छा इसमें रोटी भी होती है, चपाती। अच्छा चपाती हाँ। तो ये देखिए ये है आटे वाली पूरी। सर आपके पास क्या क्या मिलता है वो बताएंगे, और उसका प्राइस? प्राइस 40 रुपए ही है। 40। आपके पास छोले भटूरे? छोले भटूरे एक प्लेट में 2 भटूरे एक सब्जी के साथ होते हैं, ठीक है। और एक अगर पूरी किसकी होती है? आटे की। ये आटे की पूरी? हाँ जी सर, ये एक प्लेट में 4 पूरी है। 40 रुपए में 4 पूरी? हाँ जी सर। अरे वाह बहुत बढ़िया है ये तो। और जो आपके साथ चावल भी 40 रुपए प्राइस है। अच्छा उसमें क्या क्या होता है? उसमें सब्जी हो गई, चावल हो गए, चटनी सलाद। अच्छा वो राजमा ले लो, कोई भी सब्जी ले लो, कोई भी, छोले कड़ी या दाल जो बना, जो भी है हमारे पास। अच्छा वो चेंज करते रहते? हाँ चेंज भी करते रहते हैं। अच्छा आप चेंज भी करते रहते हैं, ठीक है। बाकी दाल और छोले और कढ़ी ये डेली मिलेंगे आपको। अच्छा ये डेली? हाँ जी। अरे बहुत बढ़िया। और देखिए दोस्तों ये आपके सामने फ्रेश बनाते हैं, आपको यहाँ पर ना हमेशा ताज़ी चीज़ मिलेगी। ये देखिए दोस्तों जो चावल अभी बन रहे थे सुबह, ये देखिए देखो एकदम खिले हुए चावल है। ये कौन सा चावल होता है? बासमती कोना है। बासमती कोना, ठीक है जी बहुत बढ़िया। ये है जी चटनी, ये चटनी साथ में देते हैं दोस्तों। ये लगने लगी है चावल की प्लेट, ये आगे जी चावल, ये भी 40 रुपए में। इसके साथ क्या क्या आता है? और सब्जी कोई सी ले सकते, सब्जी कोई सी भी ले सकते हैं। तो ये देखिए साथ में और क्या डालेंगे, ये आ गया जी, ये साथ में ऑनियन,
और ये चटनी। अरे वाह, तो सब्जी आपकी दोस्तों इच्छा है कढ़ी चावल लेना है के साथ खानी है, छोलों के साथ खानी है, वो आपकी मर्जी है, या राजमा है, दाल है, वो आपकी इच्छा है। तो ये पता नहीं किसका ऑर्डर है, वो क्या डलवाएंगे? दाल पाएंगे। अच्छा, ये दाल वाली है। ये देखिए दोस्तों, ये दाल चावल का ऑर्डर है। ये आ गई जी दाल साथ में। अगर आपने कढ़ी खानी है कढ़ी खा सकते हैं, छोलों के साथ खानी है तो छोलों के साथ खा सकते हैं। इसका भी दोस्त 40 रुपये, 40 रुपये। ये देखिए दोस्तों, ये किसी का ऑर्डर है। ठीक है, थैंक यू सर। आपको गरम गरम अगर खाना है तो यहाँ पे आके खा सकते हैं। किसी का पूरियों का ऑर्डर है, उसके लिए पूरियाँ बनाने रखी। ये पूरियाँ आटे की होती हैं, जो भटूरे होते हैं वो मैदे की होते हैं ना, तो इनके भाई भी इनके साथ काम करवाते हैं। हेलो सर, आपका नाम? सर आपको ये सारा काम आता है? अरे वाह, बहुत बढ़िया जी, थैंक यू। तो इनके साथ हेल्प करवाते हैं। हेलो सर, आपका शुभ नाम? सुनील। अच्छा, आप क्या क्या काम करते हैं? सारा कुछ कर लेता हूँ। अच्छा, सारा काम कर लेते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। देखो ये तीनों भाई हैं, मिलके ये कार्ड चलाते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, आप कुछ अगर पैक करवाना तो पैक भी करवा सकते हैं। ये देखिए किसी का ऑर्डर है। कहते हैं अगर आप अच्छी चीज़ बनाते हो ना तो लोग आपको ढूंढ लेते हो, आप कहीं भी खड़े हो जाओ। ये देखिए भटूरे का ऑर्डर है ना? हाँ जी, ये देखिए भटूरा, और भटूरे का साइज देखो है ना मजेदार। ये देखिए, और आपको ना यहाँ गरम गरम मिलेंगे भटूरे। ये भाई इकट्ठे भी नहीं देते, एक एक करके देते हैं। ये लगने लगी है जी इनकी प्लेट। ये आ गई चटनी, ये साथ में ऑनियन। अरे बहुत बढ़िया जी। ये आ गया जी चम्मच। ये देखिए ये छोले। अरे वाह, बहुत बढ़िया है ना, जबरदस्त। ये देखिए दोस्तों, प्लेट रेडी है सर्व होने के लिए। ये साथ में हरी मिर्च। ये गई किसी का ऑर्डर है पीछे। ये देखिए है ना भटूरे, जबरदस्त। ये देखिए साथ में आटे वाली पूरी का ऑर्डर भी चल रहा है। ये किसी का पैकिंग का ऑर्डर है। ये देखिए दोस्तों, ये पैकिंग का है ना? अच्छा, ये भी खाने का ही है दोस्त। ये देखिए, ये आटे वाली पूरी है, और भटूरे आपको 40 रुपये में दो मिलते हैं, पूरियां आपको 4 मिलती हैं। आपकी इच्छा है, आप जो मर्जी खाएं। टेस्ट दोनों का लोग कहते हैं बहुत ही बढ़िया होता है। ये आ गई जी पूरी। ये पूरी के लिए प्लेट। ये देखिए इधर, ये मैं देखिए अभी सुबह का टाइम है, आई हूँ। ये देखिए ऑर्डर पे ऑर्डर चल रहा है। इसी को कहते हैं क्वालिटी। अगर आप क्वालिटी देते हो ना तो कस्टमर आपके ढूंढता हुआ आ ही जाता है। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये पूरियों का ऑर्डर भी है। ये आ गई जी पूरियाँ। अरे यार सर, ये आ गई हरी मिर्च, और ये भाई डाल रहे हैं छोले। अरे वाह, ये आ गया जी साथ में इनकी खट्टी मीठी चटनी है, ये स्पेशल चटनी। ये साथ में ऑनियन। अरे वाह, लो जी ये सर्व होने के लिए रेडी है। ये देखिए दोस्तों, साथ के साथ ऑर्डर चल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए भटूरे, गरम गरम भटूरे खिलाते हैं ये। सत श्री अकाल सर। सर थोड़ा शुभ नाम? दर्शन सिंह जी। अच्छा सर, आपने ये छोले भटूरों का ऑर्डर किया ना? हाँ जी हाँ जी। अच्छा सर, आप कब से आ रहे हैं इनके पास? मेरे को तो 4-5 साल हो गए। अच्छा, तो कैसा है इनका? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया जी, तो थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। एक भाई और खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो सर, आपका नाम? डीएस पांडे है। अरे वाह, तो आप इनके टेस्ट के बारे में बताइए कैसा? टेस्ट बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छे टेस्ट। अच्छा, आप कब से खा रहे हैं इनके? मैं इनके बाद 5-6 सालों से आता खाता रहता हूँ। अच्छा, तो कैसा होता है साफ सफाई में, कैसा होता है? साफ सफाई एक नंबर की, एक नंबर का टेस्ट, बहुत अच्छा क्वालिटी है। अरे वाह, थैंक यू सर, वेलकम सर। हाँ जी, छोले भटूरे की पैकिंग का ऑर्डर है। छोले भटूरे का, पूरी का? ये पूरी की पैकिंग का ऑर्डर है। ये देखिए छोले पैक कर रहे हैं।
यहाँ दोस्तों अगर आपने खाना है तो खा भी सकते हैं, अगर पैक करवा के लेके जाना है तो पैक करवाने के लिए भी है यहाँ पे। पैकिंग के लिए चटनी और प्याज ये भी साथ में पैक कर दिया जाएगा, और साथ में हरी मिर्च, फ्राई की हुई हरी मिर्च डालते हैं। ये देखिए ये आ गई जी पूरियाँ, ये पैकिंग का ऑर्डर है दोस्तों। देखो जहाँ पे जिनका पैकिंग का ऑर्डर चल रहा है उनसे बात भी करते हैं। हेलो सर, सर आपका नाम? मेरा नाम रविंदर सिंह। सर आप कब से आ रहे हैं इनके पास? मैनू काफ़ी टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 6 मंथ हो गए। मैं इतने ही इन्हें कुड़ी डेली मैं खा के भी जाता और मैं पैक करवा के भी लेके जाता। मैं सामने इतने नाल ना जॉब करता, ओके, साढ़े को इन्ना टाइम नहीं होंगे अभी खुद बना, सो इतने ही असं खा के जाने और पैक करवा के जाने। इन्हों का खाना बड़ा टेस्टी होंगे, अल्टीमेट होंगे। अरे थोड़ा भी कदम टाइम हो तक बिल्कुल जी बिल्कुल अभी टेस्ट भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। तो हम अपने लिए एक प्लेट लगवाने लगे हैं। ये आगे जी अपने छोले, और ये आगे जी इसके ऊपर खट्टी मीठी चटनी, और ये आ गया जी प्याज, ये आ गया चम्मच, ये आ गया हरी मिर्च फ्राई की हुई। इसका मज़ा दोस्तों अलग सी है। तो ये अपना हो गया भटूरा रेडी। अरे ये आ गया जी भटूरा, तो यहाँ रख पाते थे इस पर रख देते हैं। ये आ गई जी अपनी प्लेट, ये आपको दिखाता हूँ छोले। छोले देखो है ना ज़बरदस्त, ठीक है। और ये आ गया जी भटूरा, भटूरे का साइज़ देखो है ना मज़ेदार। ये देखो इसकी लेते हैं एक बाइट, ये अंदर से स्टफिंग भी दिखाता हूँ मैं आपको, वहाँ से दिखा अंदर से देखो है ना मज़ेदार। ये देखो दोस्तों इसका मैं बताता हूँ टेस्ट करके आपको कि कैसा है। जो छोले हैं ना एकदम सॉफ्ट है, और नमक मिर्च बिल्कुल ही बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल घर जैसे। अगर आप एक बार खाओगे ना तो आप याद करोगे कि इनके छोले भटूरे सबसे अलग हैं। ये देखिए, ये मैंने थोड़ी सी चटनी ली साथ में, लिया में जाएगा अपना एक प्याज, ठीक है, ये और साथ में हरी मिर्च। दोस्तों मज़ा आ गया। अगर आप यहाँ से पैक करवा के भी ले जाओगे ना तो भी आप कहोगे कि सही है। ये देखिए जगह छोटी सी लगती है पर इसका टेस्ट इतना बढ़िया है ना, मज़ा आ गया दोस्तों। दोस्तों जिसने भी यहाँ के छोले भटूरों का टेस्ट किया पहले कभी, वो नीचे ना कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जिसने नहीं किया वो एक बार यहाँ के ट्राई ज़रूर करें और बताएं कि उनको इसका टेस्ट कैसे लगता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।